वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स से एक ऐसे टॉपिक की या मैकेनिक्स के एक ऐसे टॉपिक की जो लगभग लगभग हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक पार्ट है। हम बात करने जा रहे हैं आज कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर रिएक्शंस कैसे फाइंड की जाती हैं। ठीक है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर के चलते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन डायग्राम। मतलब ये जो बीम दे रखी है हमारे इस डायग्राम में, इसके सपोर्ट्स जो हैं उन पर रिएक्शन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में भी गिवन है, डायग्राम से भी क्लियर है कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी कि ये पॉइंट ए पर जो सपोर्ट लगा है, पॉइंट बी पर जो सपोर्ट लगा है, ये दोनों सिंपल सपोर्ट्स हैं। ओके, तो ए और बी पॉइंट पर दोनों सिंपल सपोर्ट हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इस बीम को इसके सपोर्ट्स हटा करके उनकी जगह लगने वाली रिएक्शंस को अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमको मालूम है कि जहाँ पर सिंपल सपोर्ट लगा होता है, तो सिंपल सपोर्ट के केस में उसी पॉइंट पर प्लेन के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन लग जाती है। तो ये पॉइंट था ए, अगर हम इसके ठीक नीचे ऐसे ड्रॉ करते जाएं, तो दिस वाज ए, ये था सी पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा डी पॉइंट, सिमिलरली दिस इज ई एंड दिस इज बी। ओके, तो सबसे पहले सिंपल सपोर्ट अगर लगा हुआ होता है जैसे ए, तो सिंपल सपोर्ट जिस जगह भी लगा होता है, सपोज़ ये इस तरह से अगर लगा है, इसको हमको जब फोर्स लगाना होता है इसको हटा करके, तो सिंपल सपोर्ट के केस में केवल एक रिएक्शन फोर्स लग जाता है, वो भी अगर ये कोई मान लीजिए एम पॉइंट पर लगा हुआ था, तो उसी एम पॉइंट पर एक रिएक्शन फोर्स लग जाएगा जिसको हम ऐसे शो करते हैं, और ये रिएक्शन फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर जो सपोर्ट है ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो लग रहा होगा ये वर्टिकली अपवर्ड लग जाएगा। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर हम बात करें तो सिंपल सपोर्ट यहाँ ए पर भी लगा हुआ है, तो ए पर सपोर्ट को हटाकर उसकी जगह हमने सिंपल एक रिएक्शन फोर्स लगा दिया, और क्योंकि ये ए पर लगा था तो इसको हमने नाम दिया आर ए, मीन्स रिएक्शन फोर्स एट ए। इसी तरह से बी पॉइंट पर जब हम देखेंगे, तो बी पॉइंट पर भी हमने एक फोर्स लगा दिया और इसको हमने नाम दे दिया रिएक्शन फोर्स एट बी, दैट इज़ आर बी। बाकी जो फोर्सेस लगे थे वो ऑलरेडी पॉइंट लोड्स थे, तो इन पॉइंट लोड्स को हम एज इट इज़ जो लगे हुए थे हम लगा रहने देते हैं। ये 10 किलो न्यूटन था सी पर, डी पर लगा हुआ था 20 किलो न्यूटन और ई पर लगा हुआ था 40 किलो न्यूटन। ये सारी डिस्टेंसेस हमको दे रखी हुई थी, ए सी के बीच ये डिस्टेंस है 1 मीटर और बाकी ये सारी डिस्टेंसेस हैं 2 मीटर ईच, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पर सारे फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तीन इक्वेशंस अगर हम देखें तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एलजेब्रिक सम ज़ीरो होता है। ऐसे ही सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो और समेशन ऑफ मूमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तीन इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है या कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड होता तो उसका कंपोनेंट आ जाता, तो कुछ भी रीज़न हो लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो इस रिएक्शन इस इक्वेशन से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास टोटल 2 अननोन वैल्यूज़ हैं जो हमें फाइंड करनी है, बाकी सारे फोर्सेज नोन हैं। तो 2 अननोन को निकालने के लिए मैथमेटिक्स में हम जानते हैं हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, तो वो हमको इन दोनों से मिल जाएंगी, पहली इससे और दूसरी इससे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो की। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो जब हम करेंगे, इसका मतलब होता है टेकिंग इक्विलिब्रियम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मीन्स सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि जितने वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं इन सभी का एलजेब्रिक सम
ज़ीरो होना चाहिए अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। ओके, तो यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, वर्टिकल के केस में अपवर्ड लगने वाले फोर्सेस को हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो हम इस वाले साइन कन्वेंशन को यहाँ पर लेकर के चलते हैं। तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं, सारे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी को हम एक साइड करके लिखेंगे विद साइन और वो इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। तो सबसे पहले लग रहा है आर ए, आर ए लग रहा है ऊपर की तरफ तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आर ए। फिर लग रहा है टेन, टेन न्यूटन, टेन किलो न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड तो हो जाएगा माइनस। 20 भी लग रहा है नीचे की तरफ तो माइनस का 20 हो जाएगा। 40 भी नीचे है तो 40 भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन आर बी लग रहा है ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगा प्लस आर बी। और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये सारा सम इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो, ये कंडीशन कहती है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाती है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 40 प्लस 20 प्लस 10 मीन्स 70। ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर वन। ओके, सेकेंड इक्वेशन की हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम ले लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट, अब कोई भी एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अबाउट हम इन सारे फोर्सेस का मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉइंट ए, आप चाहे तो बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर एक एक फोर्स हम देखते जाएंगे और उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर उसको वैल्यू रखते जाएंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर लिया समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन है। अब जिस पॉइंट के अबाउट हम लेते हैं, यहाँ पर हम ए ले, ए के अबाउट ले रहे हैं मोमेंट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए। इसका मतलब हुआ कि हम सारे फोर्सेस का मोमेंट ए के अबाउट ले रहे हैं और उसका एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं ज़ीरो के लिए, क्योंकि ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट्स की। ओके, चलिए मोमेंट कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहला फोर्स तो है आर ए, अब आर ए ये पॉइंट ए से ही पास हो रहा है। ओके, आर ए की लाइन ऑफ एक्शन जो है पॉइंट ए से ही पास हो रही है, यानी कि इस फोर्स की पॉइंट ए से दूरी हो गई ज़ीरो, तो इसका कोई भी मोमेंट नहीं आएगा। जब कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा हो जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे होते हैं तो उसका मोमेंट ज़ीरो हो जाता है, तो आर ए का मोमेंट हो जाएगा यहाँ पर ज़ीरो। अब अगला फोर्स आया टेन, तो मोमेंट से पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी साइन कन्वेंशन में कि हम क्लॉकवाइज यहाँ पर ले रहे हैं पॉजिटिव और एंटी क्लॉक ले रहे हैं नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, अगर हम इस पॉइंट को एक तरह से लॉक कर दें, इस पॉइंट के अबाउट लेने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट इस बीम को, इस पॉइंट के अबाउट इस बीम को ये फोर्स कैसे घुमाएगा। ओके, तो ये फोर्स कैसे घुमाएगा, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि इसको ऐसे घुमाते हुए ले जाए। ओके, ये देखिए ये पॉइंट तो लॉक हो जाएगा, इसको हमने मान लीजिए कि यहाँ पर पिन लगा दी, तो पॉइंट सी पर लगने वाला 10 किलो न्यूटन का लोड इस पोर्शन को ऐसे एंटी सॉरी क्लॉक वाइज घुमाएगा, घड़ी की दिशा में घुमाएगा। तो क्लॉक वाइज हमने लिया है पॉजिटिव। ओके, तो मूवमेंट इसका कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू है 10 और इसकी पॉइंट ए से डिस्टेंस है 1 मीटर, दे रखा था क्वेश्चन में, तो ये हो गया 1। अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज था तो हमने इसको पॉजिटिव रहने दिया। दूसरा फोर्स है 20 किलो न्यूटन ए के अबाउट लेना है, तो ए से 20 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 और फोर्स की वैल्यू है 20, तो एफ इंटू डी का मतलब हो गया 20 × 2। अब देखिए इस पोर्शन को ये जो बी है ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, तो क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट करवाता है तो इसको भी हम लेंगे पॉजिटिव। सिमिलरली
पॉइंट ई पर लगने वाला जो लोड है वो है 40, ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, और इसकी डिस्टेंस है टोटल 5, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 की जो 20 की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 + 1 3, ये डिस्टेंस है 3। ओके ऐसे ही 40 की जो डिस्टेंस हो जाएगी पॉइंट ए से, ये डिस्टेंस होगी टोटल 2 + 2 + 1 यानी कि 5। फोर्स की वैल्यू है 40, डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 5, और ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये हो गया प्लस, राइट। अब बचा आर ए, आर ए को अगर हम देखें तो इस पॉइंट के अबाउट आर ए एंटी क्लॉक घूमने की टेंडेंसी रखेगा। ओके अगर हम ऐसे मान लें कि ये एक रॉड है जिस पर इस पॉइंट पर हमने एक पिन लगा दी, तो आर ए को जब हम ऐसे लगाएंगे तो आर ए इस रॉड को ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, मीन्स एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक को हम लेते हैं माइनस, फोर्स की वैल्यू हो गई यहाँ पर आर बी, और इस आर बी की डिस्टेंस पॉइंट ए से है 2 + 2 + 2 + 2 मीन्स 7, और कोई फोर्स बचा नहीं, इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हमको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, देखते हैं क्या आती है। तो ये हुआ 10 + 60 + 200 - 7 RB इक्वल टू 0। ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 RB इक्वल टू 270। ओके आर बी इससे हमको मिल जाएगा 270/7, राइट। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो आर बी की वैल्यू, और इसको सॉल्व करने पर जो आर बी की वैल्यू हमको मिलेगी वो आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 38.5 यूनिट हमने ले रखी थी यहाँ पर किलो न्यूटन, तो आर बी की वैल्यू हमको मिल गई 38.5 किलो न्यूटन। ओके अब इस आर बी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें अगर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगी आर ए की वैल्यू। तो आर ए प्लस आर बी, आर बी की वैल्यू थी ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, और इसी में हम अगर वैल्यू रख दें तो आर ए प्लस 38.5 इक्वल टू 70, और इसको सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा आर ए इक्वल टू 31.5 किलो न्यूटन। ओके तो इस क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा क्या गया था, सिंपली सपोर्टेड बीम पर जहाँ जहाँ सपोर्ट है उन पर रिएक्शन फाइंड करनी थी, वो रिएक्शन हमारी ये आंसर्स आ चुके हैं। ओके एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना, मेथड मैंने आपको बता दिया है, होपफुली ये कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए, इन केस कोई छोटी मोटी एरर हो तो एक बार आप लोग भी इसको सॉल्व करके चेक कर लेना। ओके अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके यहाँ पर सभी फोर्सेस थे पॉइंट लोड, अब हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल की। ओके तो ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगाया और साथ में लगा है एक यूडीएल, मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर सिंपल सपोर्ट्स लगे हैं। फोर्सेस जो लगे उनकी इंटेंसिटी हमें दे रखी है, 2 मीटर्स डिस्टेंस है और ये 4 मीटर की डिस्टेंस है। क्वेश्चन फिर वही है कि हमको इसमें सपोर्ट्स जो हैं उन दोनों प्लेसेस पर रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं, तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो जहाँ जहाँ सपोर्ट्स लगे हैं वहाँ वहाँ पर हमको रिएक्शंस लगानी होंगी। तो चलिए इस पर भी हम रिएक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके तो इस बीम को हम दोबारा से एक बार ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ए पर एक सिंपल सपोर्ट लगा था, तो यहाँ पर एक रिएक्शन लग जाएगी वर्टिकल, हमने मान लिया ये आर ए है।
पॉइंट बी पर सिंपल सपोर्ट था, तो पॉइंट बी पर एक रिएक्शन लग गई, उसको हमने नाम दे दिया आर बी। पॉइंट डी पर एक पॉइंट लोड था, इसको हमने एज इट इज़ लगा रहा। पॉइंट लोड को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्योर वर्टिकल है, तो इसके कंपोनेंट्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बात आती है यूडीएल की। तो ये मान लीजिए पॉइंट सी आ गया। पॉइंट सी और पॉइंट बी के बीच में अगर हम देखें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तभी हम उसकी एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर कोई यूडीएल, एक रिवीजन के तौर पर इसको समझ लीजिए, अगर कोई लेंथ है एल, ओके, और इस लेंथ पर कोई यूडीएल लगा है जिसकी वैल्यू है डब्ल्यू, ओके, तो इसके लिए जो हम पॉइंट लोड निकालते हैं इसको कैसे शो करेंगे। देखिए तो एल लेंथ को तो हम एज इट इज़ बना लेते हैं, ये टोटल लेंथ इज़ एल, ओके, ये एल पहले भी थी, ये अभी भी हमने कर दिया। यहाँ पर जो पॉइंट लोड लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू इंटू एल, और ये लगेगा कहाँ पर, तो ये लगेगा इस पूरी लेंथ के बीच में, मतलब एल बाई टू डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस हो जाएगी एल बाई टू। ठीक, तो अब चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बी और सी के बीच में लगा है यूडीएल, तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू है 80 न्यूटन्स पर मीटर, एल की वैल्यू है 4 मीटर्स। तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, उसकी वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू इंटू एल, मीन्स 80 इंटू 4 मीन्स 320 न्यूटन्स। ओके, यूडीएल की यूनिट होती है न्यूटन्स पर मीटर या किलो न्यूटन्स पर मीटर, और पॉइंट लोड को हम न्यूटन्स में शो करते हैं। तो ये हमको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मिल गया, और ये लगता कहाँ पर है, तो जितनी डिस्टेंस पर यूडीएल लगा था उसके बीच में लगता है। तो बी सी यानी कि 4 मीटर्स की ये डिस्टेंस थी, तो इसके बीच में लग जाएगा। तो ये 320 न्यूटन का लोड यहाँ पर लगा बी और सी के बीच में, जिसकी वैल्यू है 320 न्यूटन्स, अभी हमने कैलकुलेट करी। ये डिस्टेंस हो गई 2 मीटर्स, और ये डिस्टेंस भी हो गई 2 मीटर्स, क्योंकि यूडीएल हमेशा उस लेंथ के बीच में लगता है जिस लेंथ पर यूडीएल लगा था, यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। ओके, अब ये पॉइंट था डी। डी और सी के बीच की दूरी पहले ही दे रखी थी 2 मीटर्स, ए और डी के बीच की दूरी दे रखी थी 2 मीटर्स। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से हो गया बिल्कुल जैसे पॉइंट लोड का क्वेश्चन था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दो इक्वेशंस हमको मिलती थी, हमने फिर से देखे यहाँ पर केवल सारे वर्टिकल फोर्सेस हैं, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस मीन्स सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता ही दिया था, फोर्सेस के लिए, वर्टिकल फोर्सेस के लिए ऊपर की तरफ वाले फोर्सेस प्लस, नीचे की तरफ वाले फोर्सेस माइनस। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले फोर्सेस दो ही हैं, आर ए प्लस आर बी, बाकी दोनों फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, उनकी वैल्यू है 200 और 320, ये दोनों हो जाएंगे माइनस, और कोई फोर्स यहाँ पर लग नहीं रहा है। तो पहली इक्वेशन हमको मिल जाती है यहाँ से, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 520, ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरी क्वेश्चन के लिए हम लेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ मूमेंट्स। नाउ कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ मूमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस
अब मोमेंट क्योंकि हमको किसी एक पॉइंट के अबाउट लेना होता है, तो हम ले लेते हैं अबाउट। पिछले क्वेश्चन में हमने ए लिया था, चलिए यहाँ पर हम बी ले लेते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं अबाउट बी। अब देखिए बी के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं। मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन हमने क्या लिया था, तो मोमेंट के लिए हमारा साइन कन्वेंशन था एंटी क्लॉक माइनस और क्लॉक वाइज प्लस। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो बी के अबाउट हम ले रहे हैं अगर, तो आर बी का मोमेंट हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि आर बी पॉइंट बी से ही पास हो रहा है। जो पॉइंट उसी पॉइंट उसी जो फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा हो जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, तो उसका मोमेंट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस उस पॉइंट से ज़ीरो हो जाती है। ओके, अब अगला फोर्स बचा यहाँ पर 320। 320 अगर देखा जाए तो इस पोर्शन को कैसे घुमाएगा, तो ये घुमाएगा एंटी क्लॉक। बी के अबाउट 320 इस पोर्शन को एंटी क्लॉक घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 320 का मोमेंट आ जाएगा माइनस, माइनस साइन हो गया। अब मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स की वैल्यू है 320 और इस 320 की बी पॉइंट से डिस्टेंस है 2 मीटर्स, तो इंटू 2। अगला फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन भी इस पोर्शन को यानी कि बी डी पोर्शन को अगर हम देखें, तो 200 न्यूटन भी एंटी क्लॉक घुमाने की टेंडेंसी रखेगा बी पॉइंट के अबाउट। ओके, तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन के साथ। इसके मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स मतलब 200 इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इस 200 की यहाँ से है 6 मीटर्स। और अब बचा आर ए, तो आर ए को देखिए, तो आर ए ये जो लगा है ये ए बी को ऐसे क्लॉक वाइज घुमाने की कोशिश करेगा। अगर बी पॉइंट के अबाउट हम देखें तो ये इसको एक इस तरह से घुमाएगा क्लॉक वाइज, मीन्स ये हो जाएगा प्लस। तो फोर्स आर ए इंटू डिस्टेंस, तो आर ए की डिस्टेंस देखिए कितनी है, तो आर ए की डिस्टेंस ये बी पॉइंट से ये टोटल डिस्टेंस है 8। और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो कोई दूसरा इसके अलावा कोई मोमेंट आना नहीं, इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा -640 -1200 +8 RA इक्वल टू ज़ीरो, और 8 RA इक्वल टू 1840। राइट, यहाँ से हमको आर ए की वैल्यू मिल जाती है 230 न्यूटन्स। ओके, तो आर ए की वैल्यू अब हमको मिल चुकी है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए प्लस आर बी वॉज इक्वल टू 520। इसमें अगर हम आर ए की वैल्यू लिख देते हैं, तो आर बी इक्वल टू आ जाएगा 520 माइनस आर ए, मीन्स आर बी इक्वल टू 520 माइनस 230, और इससे हमको मिलता है आर बी इक्वल टू 290 न्यूटन्स। ये हमारी जो वैल्यूज़ हो जाती हैं, ये रिएक्शन की वैल्यूज़ हो जाती हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, इनको कैलकुलेशंस को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेथड मैंने बता दिया है। आंसर अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर कोई आंसर में कोई करेक्शन हो तो प्लीज़ आप लोग उसको कर लीजिएगा, कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा। राइट, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी कैलकुलेशन में, आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक मिलती है आंसर में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको क्लियर करके आप बता दीजिएगा। राइट, तो ये होता है तरीका कि हम कैसे सॉल्व करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में, जब पॉइंट लोड लगा हो और जब UDL लगा हो। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के केसेस की। ओके, कैंटिलीवर बीम जो होती है, जो एक एंड पर फिक्स होती है, दूसरे एंड पर फ्री होती है,
उस बीम के लिए हम लोग कैसे रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, टेक केयर, गुड बाय.